जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा बेतिहाता स्थित दुबे कॉम्प्लेक्स में आधार सेवा केंद्र का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने आधार सेंटर के सभी काउंटर का निरीक्षण किया तथा आधार सेवा केंद्र के संचालकों से जानकारी ली, जिसके संबंध में जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया कि आधार सेवा केंद्र पर निवासी अपना आधार नामांकन और अपने आधार में सुधार अपडेट करा सकते हैं। यह आधार सेवा केंद्र गोरखपुर जिले और आसपास के सभी जिलों के निवासियों को आधार से संबंधित सेवा प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि गोरखपुर के लगभग 50.72 लाख निवासियों का आधार नामांकन हो चुका है, लेकिन अभी भी 0 से 5 वर्ष के आयु के कुछ बच्चों का आधार नामांकन होना है, जिसे जल्द से जल्द पूरा करने की आवश्यकता है। वहीं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय के उप महानिदेशक प्रशांत कुमार सिंह ने कहा कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में 12 आधार सेवा केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। यह आधार सेवा केंद्र निवासियों के लिए आधार से संबंधित सभी सेवाओं के लिए एक सिंगल स्टॉप डेस्टिनेशन है। यहां पर अत्याधुनिक वातावरण में निवासियों को आधार नामांकन और अद्यतन सेवाएं प्रदान करते हैं। आधार सेवा केंद्र गोरखपुर के पास प्रतिदिन 1000 निवासियों को आधार से संबंधित सेवाओं को प्रदान करने की क्षमता है। आधार सेवा केंद्र नागरिक केंद्रित है और प्रबंधकों को निवासियों, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और विशेष रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए प्राथमिकता के आधार पर समस्याओं को हल करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। भीड़ प्रबंधन के लिए टोकन सिस्टम लागू किया गया, जो निवासियों को कुशल सेवा प्रदान करता है। यहां पर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम उपलब्ध है, जो नागरिकों को समय बचाने में मदद करता है और केंद्र पर भीड़ को कम करता है। जिन निवासियों के पास ऑनलाइन अपॉइंटमेंट है, उन्हें निर्दिष्ट विंडो पर सेवा प्रदान की जाती है। प्रवेश द्वार पर एक टोकन काउंटर है, जो पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर वॉक इन निवासियों को टोकन प्रदान करता है। निवासियों को सहायता प्रदान करने और उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रवेश द्वार पर एक हेल्प डेस्क काम कर रहा है। आधार नामांकन और अपडेट के समय अपलोड किए गए दस्तावेजों की जांच के लिए सत्यापनकर्ता तैनात किए गए हैं। यह सत्यापनकर्ता सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक लेन देन के दौरान डेटा की गुणवत्ता बनी रहे। भुगतान नगद प्रणाली के माध्यम से होता है और गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई आदि के माध्यम से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह आधार सेवा केंद्र सप्ताह के सभी 7 दिनों में सवेरे 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुले रहते हैं और केवल सार्वजनिक अवकाश के दिन बंद रहते हैं। आधार नामांकन मुफ्त है, लेकिन जनसंख्या की अपडेट के लिए ₹50 का मामूली शुल्क और जनसंख्यकीय अद्यतन के साथ या उसके बिना बायोमेट्रिक अद्यतन के लिए ₹100 दिए हैं। इस अवसर पर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के उप निदेशक प्रशांत कुमार सिंह, आधार सेंटर संचालक मार्कंडेय पति तिवारी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय के निदेशक नीतीश सिन्हा ने कहा। यहाँ टोकन ले लिया, फिर अंदर आके ये काउंटर लिख के वेरीफाई करते रहते हैं, आगे जाके कैश वो करके फिर तो 30 होगा नहीं, मतलब आप बायोमेट्रिक के साथ होते हैं, तो जैसे मोबाइल वगैरह अपडेट करना तो वो वाला, फिर वो उसको काउंटर अलॉट हो जाता है। तो 16 काउंटर मैक्सिमम जो है यूपी में, मतलब 16 कहीं 3 तरीके हमारे होते हैं, 16-8 हज़ार वाले, तो ये मैक्सिमम कैपेसिटी वाला है, मतलब 16 नहीं, और बाहर जाने में 15 मिनट से भी कम। प्लस टोकन वगैरह क्या वॉल्यूम ऑफ क्राउड आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अभी नहीं, हम तो 1000 उम्मीद कर रहे हैं कि 1000 का फुटफॉल हो पड़े, बाकी ये लोग कैंप मोड में मिल जाएगा अपडेट्स का या नए एनरोलमेंट्स का, तो ये लोग वहाँ कैंप मोड में भी आपके निर्देश पे, तहसील वाइज तो हम लोग करा ही सकते हैं। तो मतलब पर्टिकुलरली अगर जैसे स्कीम्स के बेनिफिशरीज हैं उनके लिए आपको कुछ कराना है, तो वहाँ पे उन्हें कुछ अपडेट कराना है, तो 2-3-4 दिन के लिए मशीन स्कूल स्कूल कर रहे हैं।
जो डायरी जो ये 12 केंद्र पूरे स्टेट में बनवाए हैं उसमें एक गोरखपुर है, 16 में से 6 की कैपेसिटी का ये सेंटर है। बेसिकली इसका उद्देश्य यही है कि लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। और जो अभी बताया गया है हमारे यहाँ जो आबादी का 52 लाख है उसमें अराउंड 47 लाख तो संतृप्त हो चुके हैं, तो उनके जितने अपडेशन है मैक्सिमम हम लोग उसको अपडेट कर सकें। जो 5 लाख लोग छूटे हुए हैं, स्पेशली 4 लाख जो बच्चे हैं 5 साल तक के और 5 लाख से ऊपर 1 लाख लोग हैं, उनको किसी तरह हम लोग सेंसिटाइज करके सेंटर से जोड़ सकें, ताकि जितनी एक तो आइडेंटिफिकेशन, सेकेंड इज गवर्नमेंट स्कीम। अभी मेरी बात हो रही थी तो इस फैसिलिटी के माध्यम से अराउंड 135 ऐसे बच्चे जो अलग हो गए थे पेरेंट्स से उससे जोड़ा जा चुका है। तो इसके एक मल्टीपल यूजेस है, एक बार किसी का आधार कार्ड हो जाए तो गवर्नमेंट स्कीम्स, बैंक्स, इसके अलावा और भी ट्रेसेस जो इन्वेस्टिगेशन में ट्रेस करने में काम आता है, हर जगह यूज होता है इसका। तो इट इज़ नॉट लिमिटेड टू बैंक और गवर्नमेंट स्कीम, आज के डेट में हर व्यक्ति को इसकी आवश्यकता है। तो यहाँ पे चूँकि प्रिंट मीडिया के बंधु भी हैं तो आप लोग से यही अनुरोध है, ये मैक्सिमम ये केंद्र आज यहाँ खुला है, ये 1000 की कैपेसिटी है, एटलीस्ट 1000-1200 रोज बने, उससे ज़्यादा का डिमांड रहे। तो ये जब तक आप लोग इसकी प्रचार प्रसार नहीं करेंगे तक तक लोग मैक्सिमम नहीं आएंगे, और जो छोटे लोग हैं उनको चिन्हित करने में आप लोग सहयोग करें। धन्यवाद। कैश पेमेंट होने के बाद वो वहाँ से अगर वो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सर, बेसिकली 2 तरह के अपडेट हैं, डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक अपडेट। और बायोमेट्रिक अपडेट में अगर आपको कुछ अपने फिंगरप्रिंट्स में इशू आ रहे हैं या फिर आपकी फोटो पुरानी है आप उसे पहचान नहीं पा रहे हैं उसके थ्रू बायोमेट्रिक अपडेट हो रहा होता है। और इनके साथ बायोमेट्रिक करा रहे हो तो उसमें साथ में ही आपका दोनों अपडेट हो जाएगा, डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक दोनों ही। तो बर्थ सर्टिफिकेट है, 5 साल तक कि ये इसमें पेरेंट्स का आधार नंबर लेकर के जो बच्चे का बनेगा वो पेरेंट्स के आधार से लिंक होता है। तो एक्चुअली ऑथेंटिकेट अपना आधार नंबर देंगे, ऑथेंटिकेट करेंगे तो उससे जब उनका ऑथेंटिकेशन हो जाएगा सक्सेसफुल तो ये पता चल जाएगा। जो ये
12 केंद्र पूरे स्टेट में बनवाए हैं, उसमें ये गोरखपुर है, 16 मशीन की कैपेसिटी का ये सेंटर है। बेसिकली इसका उद्देश्य यही है कि लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके, और जो अभी बताया गया है हमारे यहाँ जो आबादी का 52 लाख है उसमें अराउंड 47 लाख तो संतृप्त हो चुके हैं, तो उनके जितने अपडेशन है मैक्सिमम हम लोग उसको ऑगमेंट कर सकें। जो 5 लाख लोग छूटे हुए हैं, स्पेशली 4 लाख जो बच्चे हैं 5 साल तक के, और 5 लाख से ऊपर 1 लाख लोग हैं, उनको किसी तरह हम लोग सेंसिटाइज करके सेंटर से जोड़ सकें, ताकि जितनी एक तो आइडेंटिफिकेशन, सेकेंड इज गवर्नमेंट स्कीम। अभी मेरी बात हो रही थी इस फैसिलिटी के माध्यम से अराउंड 135 ऐसे बच्चे जो अलग हो गए थे पेरेंट्स से, उससे जोड़ा जा चुका है। तो इसके मल्टीपल यूजेस है, एक बार किसी का आधार कार्ड हो जाए तो गवर्नमेंट स्कीम्स, बैंक्स, इसके अलावा और भी ट्रेसेस जो इन्वेस्टिगेशन में ट्रेस करने में काम आता है, हर जगह यूज होता है इसका। तो इट इज़ नॉट लिमिटेड टू बैंक और गवर्नमेंट स्कीम, आज के डेट में हर व्यक्ति को इसकी आवश्यकता है। तो यहाँ पे चूंकि प्रिंट मीडिया के बंधु भी हैं, तो आप लोग से यही अनुरोध है, ये मैक्सिमम ये केंद्र आज यहाँ खुला है, ये 1000 की कैपेसिटी है, एटलीस्ट 1000-1200 रोज बने, उससे ज़्यादा का डिमांड रहे, तो ये जब तक आप लोग इसकी प्रचार प्रसार नहीं करेंगे तब तक लोग मैक्सिमम नहीं आएंगे, और जो छोटे लोग हैं उनको चिन्हित करने में आप लोग सहयोग करें। धन्यवाद। मैं नीतीश सिन्हा, डायरेक्टर UIDAI रीजनल ऑफिस लखनऊ। देखिए, जैसा आप सभी जानते हैं कि आधार अति महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चुका है आज की तारीख में, तो लोगों को एक ही छत के नीचे आधार एनरोलमेंट और अपडेट की सारी सुविधाएं मिल सकें, विशेष रूप से जो गोरखपुर और आसपास का क्षेत्र है यहाँ के लोगों को, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे इस आधार सेवा केंद्र की स्थापना की गई है। इसकी प्रतिदिन की जो कैपेसिटी है आधार एनरोलमेंट और अपडेट की, वो 1000 से 1200 है। तो मुझे आशा है कि ये यहाँ पे गोरखपुर क्षेत्र के निवासियों को आधार संबंधित सभी सुविधाएं एक छत के नीचे देने में सक्षम है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अभी हम लोग जो हैं पोस्ट ऑफिसेज और बैंक और अन्य माध्यमों से, राज्य सरकार की भी कुछ एजेंसियां हैं, जैसे बेसिक शिक्षा विभाग है, अभी एक नया विभाग आ रहा है श्रीटॉन इंडिया, उनके माध्यम से हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में भी और पैठ बनाएंगे। अभी CSCA और बाकी बैंक पोस्ट ऑफिसेज के माध्यम से तो है ही हमारी पहुंच, और उसके अतिरिक्त हम लोग जैसे ये आधार सेवा केंद्र अभी गोरखपुर में बना है, ऐसे आधार सेवा केंद्र हम और ज़िलों में भी बनाने का विचार कर रहे हैं। हो सकता है इतना बड़ा ना हो, हमारी कैपेसिटी यहाँ पे जैसे 16 मशीन्स हैं, तो कुछ ज़िलों में 8 मशीन्स लगेंगी, कुछ में हम 4 के बारे में सोचेंगे, लेकिन सभी ज़िलों को कम से कम कवर कर देंगे, तहसीलों और ब्लॉक को हम राज्य सरकार के रजिस्ट्रार्स के माध्यम से कवर करेंगे। उसका दो चीज़ें हैं, आधार में उसके लिए प्रोविज़न है कि यदि किसी का बायोमेट्रिक नहीं आ पा रहे हैं तो वो 3 से 4 अटेम्प्ट होते हैं, वो उसी समय एनरोलमेंट के समय ही देखते हैं, उसमें से फिर जो बेस्ट होता है, जितना जिसमें मैक्सिमम कैप्चर हुआ होता है, उतना लेते हुए उनका आधार बन जाता है। तो वो आधार किसी का भी डिनाई नहीं होता, बल्कि आप ये समझिए जिनके हाथ भी नहीं है और जिनकी आँख भी नहीं है उनका भी आधार बनता है, उन्हें भी तो आइडेंटिटी चाहिए। तो ऐसा नहीं है, उनका जितना भी कैप्चर होता है उतने पे आधार उनका बनाते हैं। बाद में उनका ऑथेंटिकेशन अगर करना हो, बुज़ुर्गों का मान लिया उंगली के थ्रू नहीं कर पा रहे हैं, तो एक आप अपनी आयरिस के थ्रू कर सकते हैं। अब आजकल तो फेस ऐप हम लोगों ने शुरू कर दिया, फेस ऑथेंटिकेशन, तो इससे आप ये समझिए कि जो पेंशनर्स हैं, बुज़ुर्ग पेंशनर्स हैं, उन्हें अपना जो लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट करते थे वो अपने मोबाइल में ऐप डाल के आधार के माध्यम से अपनी फ़ोटो खुद ही खींच के और उसके माध्यम से अपना आधार ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, और उनका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बन जाता है, और डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जहाँ पे भी उनकी जिस भी जगह से उन्हें पेंशन मिलती है वहाँ तक पहुँचाया जा सकता है। इसमें बेसिकली अभी जो जनपद में 270 किट्स हैं जहाँ अपडेशन किए जा
जा रहे हैं उसी को ऑगमेंट करने के लिए यहाँ पे एक आधार सेवा केंद्र बनाया गया है जिसमें 16 गेट्स हैं, जहाँ पे रेगुलर अपडेशन और नए आधार कार्ड बनाने का काम कराया जाएगा। तो बेसिकली एक अच्छी पहल है यूडाई के द्वारा और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है लोग मैक्सिमम लोग जो आधार बनाते हैं वो अपडेशंस में बहुत लोग नहीं कराते हैं। एक बार आधार बन जाता है तो इसके कारण अलग अलग स्कीम्स में बेनिफिट्स उठाने में कभी कभी अलग अलग स्टेजेस में प्रॉब्लम आता है, तो उसी को मजबूत करने के लिए ये व्यवस्था बनाई जा रही है ताकि आम पब्लिक को मैक्सिमम सुविधा मिल सके। ये शहर के बीच में है, पर डे 1000 की कैपेसिटी है, तो आपके माध्यम से मैं यहाँ की जनता से भी अनुरोध करूँगा कि जिसको भी अपना अपडेशंस है इन सेंटर्स में संपर्क करके अपना अपडेशंस कराएं। इनफैक्ट यहाँ पे 15 से 20 मिनट में पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आधा दिन किसी को परेशान होने की ज़रूरत है। तो इट्स अ गुड इनिशिएटिव, तो आपके माध्यम से भी मैं अनुरोध करूँगा कि मैक्सिमम लोगों को आप लोग भी सेंसिटाइज करें ताकि अपना आधार अपडेशन कराएं। और जो छूटे हुए वर्ग हैं, जैसे अभी हमारे जनपद में नियरली अराउंड 5 लाख आधार हैं जो बनने बाकी हैं, 1 से 4 लाख 5 साल के बच्चों का, 18 तक अराउंड 1 लाख के आसपास, तो उनको भी हम लोग आइडेंटिफाई करके हम लोग इंश्योर करेंगे कि रिमोट एरियाज़ में भी कैंप चला के हम लोग आधार इनरोलमेंट्स करा सकें। गाँव के लोग ज़्यादातर समस्या हाँ, इसको हम लोग क्षेत्र में भी टाई अप करेंगे, डीजी सर से बात भी हुआ है, तो इन्होंने काफ़ी कोऑपरेशन इसमें देने के लिए कहा भी है, तो हम लोग रिमोट एरियाज में भी कैंप चलाएंगे। धन्यवाद।